नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर नीलेश वाला और आज हम देखने वाले हैं 11 साइंस केमिस्ट्री सब्जेक्ट की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पूरा कर दिया था। अब ये जब मैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहा था तब मैंने देखा कि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है और सभी क्वेश्चन लेना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है वीडियो बनाने के लिए और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने के लिए। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन अभी लिए हैं, कुछ क्वेश्चन और भी बाकी है। तो जो जो सिमिलर क्वेश्चन है तो मैंने वो स्क्रिप्ट कर दिए, तो उसके जैसा एक ही करवाया है और वैसे ही पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। जब भी पार्ट 1 है उसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऐसे भी आते रहेंगे और इन बिटवीन दैट अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब देखने वाले हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेग 1 ग्राम एंड कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए पहले हम पहले का सॉल्यूशन करें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेग 1 ग्राम। अब देखो 1 ग्राम का वेट करना है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो वो होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। तो मैं किलोग्राम का कर देता हूँ ग्राम में, बिकॉज यहाँ पे 1 ग्राम है तो इसलिए मैं इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। सो द आंसर इज वॉट, 9.1 × 10⁻³⁻³ और ये −31 + 3 ग्राम तो हो जाएगा −28 ग्राम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ़ देर इज़ अ मास ऑफ 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। सो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ 1 ग्राम? तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो होगा ये 1 पर जाएगा, 9.1 नीचे आएगा, तो आंसर मुझे मिलेगा 1.098 × 10⁻²⁷। दैट मीन्स अगर मैं 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन लूँ तो उसके अंदर प्रेजेंट कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 1.098 × 10⁻²⁷ हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मास एंड चार्ज दोनों फाइंड आउट करने, लेकिन 1 मोल के। नाउ व्हाट डू मीन बाय 1 मोल? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ होते हैं। नाउ एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना है, 9.1 × 10⁻³⁷ kg। तो 6.022 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पे देखो 5.480 × 10⁻⁷ kg। ये आपको पूरी प्रोसेस पता है इसलिए मैं दोबारा बोल के रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आंसर ही बता रहा हूँ। डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कैसे करना वो भी आपको पता है। तो ये मुझे मिल गया क्या, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा क्वेश्चन है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो वो होगा सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और वो आंसर मिल रहा है मुझे −9.6352 × 10⁴। अगर इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर मिल जाएगा 96352 कूलम। ये मैंने नेगेटिव इसलिए रखा है बिकॉज ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए। वैसे भी आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे और 1 फैराडे की वैल्यू हम लेते हैं 96352 और 96480 लेते हैं जनरली, बरा। तो लेकिन ये मैंने नेगेटिव इसलिए रखा है बिकॉज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो ये कम्प्लीट हो गया हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 की। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। बाकी दो क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे, पहले 1 बाय 1 सभी सॉल्व करते हैं। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कार्बन में 6 प्रोटॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 4 है तो 4 × 1, सो टोटल 6 + 4 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मोलिक्यूल ऑफ मीथेन में। नाउ यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर जितने, तो अब क्या करेंगे, 1 मोलिक्यूल हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन, सो एवोगैड्रो नंबर है जितने हैं तो उसमें कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.022 × 10⁻²⁴ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए कितने में, 1 मोल ऑफ मीथेन में। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्या है 2A में,
द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14c। यहाँ पे मिलीग्राम में दिया है, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस न्यूट्रॉन मत कितने हो गए, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एटॉमिक मास है कार्बन का 14 और एटॉमिक नंबर है 6, दैट मीन्स 8 न्यूट्रॉन्स हो गए किस में, 14c में। नाउ 14c कंटेन 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, वो तो पता है। अब इसका मास कितना है, 14 ग्राम, तो उसमें उसका मतलब क्या, 1 मोल, तो इसको ग्राम को कर देते मिलीग्राम में, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 14,000 मिलीग्राम ऑफ 14c, तो उसका 1 मोल होगा, तो 1 मोल में कितने एटम हो गए, 6.022 × 10⁻²³ एटम हो गए। अब देखो यहाँ पे हमको दिया है कितना, 7 मिलीग्राम, तो हमारी इक्वेशन ये बन रही है कि 14,000 मिलीग्राम में इतने एटम, एवोगाड्रो नंबर जितने, तो 7 मिलीग्राम में कितने एटम, तो उसका आपको आंसर मिलेगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 7 आ गया, नीचे आ जाएगा, तो इतने हो गए 3.011 × 10⁻²⁴, सॉरी 3.011 × 10⁻²⁰ एटम हो गए 14C के, किसके अंदर, 7 मिलीग्राम ऑफ 14C के अंदर हो गए। अब मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ रहा है कि 1 14C कंसिस्ट कितने न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन, तो मेरे पास कितने एटम है उसके, तो 3.011 × 10⁻²⁰ एटम्स है, तो उसमें कितने हो गए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो आंसर आएगा वो होगा 2.408 × 10⁻²⁰ 1 न्यूट्रॉन हो गए किसके अंदर, 7 मिलीग्राम 14C के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, अब यहाँ पे मास भी दिया है, 1 न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.675 × 10⁻²⁷ kg, लेकिन हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स है, 2.4088 × 10⁻²⁰, तो उनका मास कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और आंसर मिलेगा 4.03474 × 10⁻⁶ kg। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला कंप्लीट। अब उसका थर्ड पॉइंट क्या है, द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट STP, विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज, ये है, चलो उसमें करते सॉल्यूशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया है, 34 मिलीग्राम मतलब कितने ग्राम होगा, डिवाइडेड बाय 1000, तो वो हो जाएगा 0.034 ग्राम ऑफ अमोनिया। नाउ 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, दैट मीन्स ये है उसका मोलिकुलर वेट है अमोनिया का 17 ग्राम, तो उसके अंदर कितने हो गए मोलिकुल्स ऑफ अमोनिया, ऑफकोर्स एवोगाड्रो नंबर जितने, लेकिन मेरे पास अभी कितना है, 0.34 ग्राम ऑफ अमोनिया है, तो उसमें कितने मोलिकुल्स हो गए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, 0.34 मल्टीप्लाई बाई 6.022 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाई 17, तो ये जो आंसर मिला उतने क्या हो गए, मेरे पास मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। नाउ देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रोटॉन्स, अब नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन हो गए और हाइड्रोजन के 3 हो गए, 1 हाइड्रोजन के 1, 3 हाइड्रोजन के 3, टोटल हो गए 10 प्रोटॉन्स। अब टोटल मास फाइंड आउट करना है, बराबर, तो यहाँ पे देखो एक 1.2044 × 10⁻²⁰ मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है, उसमें कितने हो गए, ये तो एक मोलिक्यूल में 10 है, तो इतने मोलिक्यूल में कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो सिंपली एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1.2044 × 10⁻²⁰ प्रोटॉन्स हो गए 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर। और जैसा कि जानते हो कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं आएगा, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। अब देखते हैं 2.3, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, तो ये तो मैं आपके लिए एक इक्वेशन दे रहा हूँ, देखो ये कोई भी एटम के रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ए, एक्स मतलब कोई भी एलिमेंट, वो सिंबल है एलिमेंट का, जेड मतलब एटॉमिक नंबर और इट्स इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड ए इज एटॉमिक मास, एंड रफली इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें, ए माइनस जेड, तो आप ये इक्वेशन का यूज़ करो और फाइंड आउट करो खुद ही कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो मैं आपके पर छोड़ रहा हूँ, आपके पास इक्वेशन है अभी, चलिए अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2.5, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर,
कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ येलो लाइट। चलो पहले क्या दिया हमें कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ c बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू न्यू। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ और वेवलेंथ है हमारी 580 नैनोमीटर। तो पहले नैनोमीटर का कर देते हैं मीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ करेंगे तो ये नैनोमीटर का मीटर में हो गया और ये तो मीटर पर सेकंड में है ही। तो जो आंसर मिल रहा है वो आंसर है 5.17 × 10⁴ सेकंड इनवर्स। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। मैंने ये डायरेक्ट बहुत सारा डेसिमल पॉइंट यहाँ के बाद डिजिट रखिए, लेकिन आप तो 2 या 3 फिगर रखना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। तो वेवलेंथ इसकी कितनी है, देखो 580 नैनोमीटर पहले ही दी थी, तो नैनोमीटर का मैंने कर दिया मीटर में और 1/580 × 10⁻⁹, तो जो आंसर मिलता है 1.72 × 10⁶ मीटर इनवर्स, बिकॉज इसका यूनिट मीटर इनवर्स आएगा, वेवलेंथ 1/वेवलेंथ है ना इसलिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं 2.6 की ओर। फाइंड आउट एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच करस्पॉन्ड द लाइट ऑफ 3 × 10⁵ हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.6, हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, हमें फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दी है। तो फ्रीक्वेंसी के पर से एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज अ प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड और ये है फ्रीक्वेंसी दी है 3 × 10⁵। तो सिंपल मुझे आंसर मिल जाएगा 1.988 × 10⁻¹⁸ जूल। वाल इन द केस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वेवलेंथ, तो ये फ्रीक्वेंसी रिप्लेस हो जाएगी सी बाई लैम्बडा से, वेर सी इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड एच इज इक्वल टू प्लैंक कॉन्स्टेंट। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है और वेवलेंथ है 0.50 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁰ करोगे तो वो मीटर में आ जाएगा। नाउ सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एच रख दिया, सी रख दिया और ये डिवाइडेड बाय लैम्बडा कर दिया, तो मुझे वो मिल रहा है वैल्यू 3.98 × 10⁻¹⁵ जूल। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.7, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2.0 × 10⁻¹⁰ सेकेंड। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखो मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, 1/T पीरियडिक टाइम, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ। तो आप ये तीन इक्वेशन का यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। 2.8, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करना है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाई लेमडा, और इमेजिन कर ले कि एन फोटोन है हमारे पास, तो ई होगी एन एच सी बाई लेमडा। अब ये ई कितनी है, 1 जूल, तो मैं रख रहा हूँ, एन इज इक्वल टू पता नहीं हम क्यों, एच रख रहा हूँ, सी रख रहा हूँ और लेमडा जो गिवन है पिकोमीटर है, तो हो जाएगा 10⁻¹² मीटर। तो पूरे इक्वेशन को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, पूरे रिसफल करेंगे एन को सब्जेक्ट बना के, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2.012 × 10⁻¹⁶ फोटॉन। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.9 की। तो 2.9 में क्या है, अ फोटोन ऑफ अ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ मीटर स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन एंड वेलोसिटी ऑफ फोटोन। तो हम क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, मैंने ई रखा, ई इज इक्वल टू क्या रखा, एच रखा, सी रखा और ये लैम्बडा रखा, तो मेरा आंसर हो गया 4.96 × 10⁻¹⁹ जूल। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6020 × 10⁻¹⁹ जूल। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि 1.6020 × 10⁻¹⁹ जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेरे पास कितने हैं 4.9600 × 10⁻¹⁹ जूल, तो कितने हो गए, तो वो आंसर मिलेगा मुझे 3.096 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो हम अप्लाइड कर रहे हैं। अब देखो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन। तो उसके लिए देखो पहले ये समझ लो कि जब भी हम कोई
फोटोन अप्लाइड करते हैं किसी भी सरफेस पे, तो उसकी एनर्जी होती है एच न्यू जितनी। अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, वो न्यू जीरो फ्रीक्वेंसी, उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और एच न्यू जीरो उतनी एनर्जी से बंधा होता है। तब जब भी ये स्ट्राइक करेगा तो ये कितनी एनर्जी, इसकी सारी एनर्जी एच न्यू यानी कि ये फोटोन की यूटिलाइज होगी इसको निकालने में, और जो एनर्जी बची है इसके पास वो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये है एच न्यू इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू जीरो प्लस के ई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब देखते हैं आगे कि हमें क्या फाइंड आउट, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें अभी लिखा कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस के ई, मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब देखो ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, और ये वर्क फंक्शन जो दिया गया है, तो एच न्यू वो दिया गया है, हमने फाइंड आउट किया, वो मिला हमको 3.096 जो आगे फाइंड आउट किया था, और एच न्यू जीरो दैट इज़ अ वर्क फंक्शन जो अभी मिला हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आगे ये दोनों एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसका डिफरेंस मिला 0.966 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें कि वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बराबर, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले, तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये 1.60 × 10⁻¹⁹ से, तो वो आंसर मिल गया मुझे 1.54 × 10⁻¹⁹ जूल। तो ये मुझे मिल गई काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, के इज इक्वल टू 1/2 mv², जहाँ पे m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे वी स्क्वायर चाहिए, वी चाहिए तो वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दिया, तो मिला 2ke/m, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आएगा डिवाइड बाय आएगा बराबर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिवाइड बाय बराबर, ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ये डिवाइड बाय m आएगा। तो अब ये होगा 2ke और डिवाइडेड बाय m, दैट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो है 9.1 × 10⁻³¹ kg। तो मुझे वी स्क्वायर ये मिला, लेकिन मुझे v चाहिए, तो v के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, दैट मीन्स 1/2। तो वेलोसिटी मिल गई मुझे 5.8 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा ये न्यूमेरिकल 2.9, और आगे की सीरीज में दूसरे न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं सभी न्यूमेरिकल नहीं लेने वाला हूँ, कुछ सिलेक्टेड है वही लेने वाला हूँ, और अगर आपको कुछ और में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे वो नंबर बता देना कि किस में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।